Hello student, welcome to CR International School online classes, class 7, subject Hindi. आज बेटा हम अपनी हिंदी की क्लास में अपने 10 चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. इसमें हमने कुछ चैप्टर आपके पढ़ दिए थे, सॉरी कुछ पेजेस हमने इसमें पढ़ दिए थे, कुछ पेजेस की आज हम रीडिंग लगाते हैं. रीडिंग लगाती हूँ बेटा मैं आपको ये समझाती जाऊंगी. अच्छे से आप वीडियोज को देखते रहिए तो आपको चैप्टर डेफिनेटली आपको समझ में आएगा. चलिए अब हम इस चैप्टर के जो बचे हुए पेजेज है उसकी रीडिंग लगाते हैं. देखिए बेटा हमने यहाँ तक पढ़ लिया था पेज नंबर 77 तक, और यहाँ तक हमने पढ़ा था कि जो तोतो चान होती है वो अपने दोस्त को यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए एक प्रयास करती है, वो असफल हो जाता है. उसके बाद दूसरा प्रयास करती है, उसमें वो कैसे प्रयास करती है, उसको कैसे पेड़ पर चढ़ाने में सफल होती है वो आज हम यहाँ से पढ़ेंगे. कि वो मतलब कि एक पहले प्रयास में असफल हो जाती है तो वो दोबारा जो चौकीदार होता है उसकी झोपड़ी की तरफ बढ़ती है और वहाँ पर कुछ सारी चीज़ों को इधर उधर पलट कर देखने लगती है. ठीक है, आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी ज़रूरी नहीं था. वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी. तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी. देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा, यह डगमगाएगी नहीं. यासुकी चान ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तर बतर तोतो चान की ओर देखा. उसे भी काफी पसीना आ रहा था. उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा. उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कितना समय यासुकी चांद को ऊपर चढ़ने में लगा. सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चांद के ऊपर तक पहुंचने में रमा था मतलब लगा हुआ था. तोतो चांद नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी. अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही. यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया. हुर्रे, पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी. तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही. यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा. तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई. उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए, पर वह रोई नहीं. उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा. उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया. उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी. देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ. उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता. उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था. वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी. अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी. बादल का एक बड़ा सा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था. काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे. पसीने से तर बतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने
सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे इधर उधर की बातें, इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज होती है टेलीविजन, यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। तोतो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए, जो कभी कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीजों को देख लेने की क्या अर्थ होंगे। वह तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। ये बेटा चैप्टर आपका इतना था कि तोतो चान ने यासुकी चान को किस तरह से कोशिश करके उसको पेड़ पर चढ़ाया था। बेटा देखो, ये जो यासुकी चान था बेटा, ये पोलियो से ग्रस्त था, इसके हाथ पैरों में जान ही नहीं थी, फिर भी वह तोतो चान की मदद से हिम्मत करके जो है पेड़ पर चढ़ा और उसने दुनिया का एक अनोखा रूप देखा पेड़ पर चढ़कर, और पेड़ पर चढ़ने का अनुभव भी प्राप्त किया। ठीक है बेटा, ये चैप्टर जो है ये आपकी रीडिंग का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और इसमें आपने इस चैप्टर से क्या सीखा बेटा? आपने इस चैप्टर से यही सीखा ना कि अगर हमारे मन में दृढ़ संकल्प है तो हम दृढ़ संकल्प कौन करेगा? जो काम करेगा। अब उस तोतो चान की अगर यासुकी चान की अगर इच्छा नहीं होती पेड़ पर चढ़ने की, चाहे तोतो चान उससे कितनी बार ही कहती, अगर यासुकी चान की इच्छा नहीं होती उस पेड़ पर चढ़ने की, तो वो क्या चढ़ पाता? नहीं। हमसे कोई भी कहता है किसी भी काम को करने के लिए और हमारा मन नहीं है, तो वो आप कैसे करोगे उस काम को? जब आपके मन में होगी उस काम को करने की, तभी तो आप उस काम को कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही समझाया गया है कि बेटा किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ संकल्प जो है बहुत ही आवश्यक होता है, उसके बिना जो है हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसा कि यासुकी चान को इस चैप्टर में सफलता मिली पेड़ पर चढ़ने की। ठीक है बेटा, ये चैप्टर आपको मैंने पढ़ा दिया और इसकी रीडिंग लगा दी। अगली क्लास में यानी कि कल हम इस चैप्टर के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।